तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे सस्ता ब्लूटूथ नेक बैंड, और इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे को पड़ रही है अराउंड 179 रुपीज़। ठीक है, जिसमें एक नॉर्मल जो लीड होती है वो भी नहीं मिलती है, और वो भी अगर कंपनी की लेने जाते हैं तो 300-400 की आपको नॉर्मल एक लीड मिलती है। और ये है वायरलेस नेक बैंड ब्लूटूथ हैंडसेट। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। सो यहाँ पे कुछ पता भी नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। बहुत हल्का लाइट वेट, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है कि नहीं है। तो ये निकला इसके अंदर से बहुत ही बेकार सा बॉक्स है, स्पोर्ट हैंडसेट क्लासिक एंड प्रोफेशनल साउंड। और यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, आप इसको पॉज करके देख लेना, जो कि एक भी ठीक नहीं होने वाली है, ये सारी फेक होगी। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, वायरलेस स्पोर्ट्स ईयरबड्स डेप्थ रिडक्शन फंक्शन एंड्रॉयड माइक्रोफोन स्मार्ट कैपेबिलिटी और आईफोन। भाई साहब बोला तो बहुत कुछ है इन लोगों ने, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इसके अंदर कुछ होगा। ये रहा इसकी पैकिंग, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और ये रहा मेरा ब्लूटूथ हैंडसेट, काफ़ी लाइट वेट है, ऐसा नहीं लग रहा इसके अंदर कोई बैटरी होगी। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इसकी वायर कहीं से टूटी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये सही होगा। ये तो ठीक लग रहा है लेकिन हिल रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो वायर है इसकी क्वालिटी तो मुझे ठीक लग रही है, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है मुझे यहाँ से, ये पूरा मेरे को मेटल ही लग रहा है, अगर मैं इसको उंगली से भी कर रहा हूँ तो मेटल लग रहा है ये वाला मुझे। और ईयरबड काफ़ी सही है, दूसरा वाला भी देख लेते हैं सेम ऐसा ही। इसकी बात कर लेते हैं जो बीच में जिसमें माइक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको माइक दिया हुआ है, प्लस माइनस मतलब कि यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन दिया हुआ है। नेक्स्ट बीच में यहाँ पे आपको कॉल उठाने के लिए और पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑन करते हैं और फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने दूसरे मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट आपको दिख रही होगी। देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको ब्लूटूथ का नाम दिखा देता हूँ क्या है। ब्लूटूथ का नाम है यहाँ पे ब्लूटूथ म्यूजिक, और 70% बैटरी अभी इसकी दिखा रहा है, तो मुझे नहीं पता बैटरी कितनी चलेगी। और मैंने इसको ट्राई करके देखा, मैंने इसमें म्यूजिक सुन के देखा तो म्यूजिक में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मतलब कि नॉर्मल था, ठीक है आप सुन सकते हो। लेकिन जब मैंने इसमें मूवीज़ चला के देखी कि कोई, मैंने सोचा क्योंकि मूवीज़ देखने के लिए लिया था, तो मूवीज़ का साउंड जो है काफ़ी सही आ रहा है इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिधर जिधर जैसा जैसा बोले ना वैसा चिपकने का काम। तो चलिए एक गाना भी मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ इसमें कैसी आवाज आ रही है। सो गाइज इसकी मैं एक वीडियो और डालूंगा बाद में, प्रॉपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या ये वर्थ है। वैसे 179 में तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है अभी के लिए, क्योंकि मुझे मूवीज़ देखने के लिए चाहिए था, और मूवीज़ का जो साउंड है जैसे कोई भी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है नॉर्मल टाइप बी से, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका आपको बैटरी बैकअप और कितना डिस्टेंस तक ये कनेक्ट रहता है, साथ में आपको ये बटन्स किस तरीके से काम करते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी और प्रॉपर साउंड परफॉर्मेंस आपको दूंगा। ठीक है, तो आप बस कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा इसकी। अभी तो मैं इसकी वीडियो नहीं डालूंगा, ये बस अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू था।
मैं एक महीने बाद इसकी वीडियो डालूंगा और जो भी इसकी प्लस माइनस जो भी होगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, दोबारा मिलते हैं एक बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ।